हेलो एवरीवन, माइसेल्फ मोहित पाटीदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। और आज हम एक बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं जो मुझसे बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया सीए फाउंडेशन कैसे क्लियर करें, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, कुछ तो वीडियो बनाओ। और इस पर आज मैं फाइनली वीडियो बनाने वाला हूं कि मैंने कैसे सीए फाउंडेशन, जो मेरे टाइम पर सीपीटी कहते थे, उसको कैसे क्लियर किया। मैंने सारे लेवल्स सीए के, दैट इज सीए इंटरमीडिएट फाइनल और सीपीटी, By God's grace and by hard work, first attempt में क्लियर किए हैं। CA finals मैंने नवंबर 20 में क्लियर किया है और with 6 subjects exemption, मतलब अराउंड 65 मार्क्स इन ई सब्जेक्ट स्कोर करके मैंने क्लियर किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। CA foundation कैसे क्लियर करें, मैंने सबसे पहले इसकी स्टडी की है, सारे टिप्स मैंने लिखे हैं और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। सो ध्यान से सुनना, लास्ट तक बने रहना। फर्स्ट, सबसे पहली बात, चार सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला अकाउंटेंसी, सेकेंड बिजनेस लॉ, तीसरा इकोनॉमिक्स और चौथा मैथ्स। सारे 100-100 नंबर के आएंगे, मतलब हो गया टोटल आपका 400। अब इस 400 में से आपको 200 तो लाना ही पड़ेगा, मतलब 400 में से आपको 200 लाना ही पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट हर हाफ आप हर सब्जेक्ट में 40-40 ला ही रहे, मतलब आप किसी में 70 ले आइए और किसी में आप 40 ले आइए, लेकिन आपको टोटल मिला के 200 नंबर होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आपको 40-40 लाने हैं और टोटल मिला के आपको 200 लाने हैं, दैट इज 50% इन एग्रीगेट और 40% इन ईच सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। और सीए इंटरमीडिएट में भी फॉलो होता है, सीए फाइनल में भी होता है। अब दिक्कत यहां आ जाती है कि आपके जो सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे बिजनेस लॉ, इस बिजनेस लॉ में कभी कभी क्वेश्चंस इधर उधर से आ जाते हैं, इसके लिए एग्रीगेट बिगड़ता है। तो हमेशा कोशिश करना कि यार हर सब्जेक्ट में को 60 प्लस स्कोर करना है, दैट इज एग्जम्पशन स्कोर करनी है, ताकि मेरा एग्रीगेट में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा पेपर सब्जेक्टिव होता है और कौन सा एमसीक्यू होता है। मेरे टाइम पर मैं बता दूं, सीपीटी के टाइम पर, हमारे टाइम पर सारे एमसीक्यू होते थे, चार ऑप्शन दिए जाते थे, तुक्का मारना पड़ता था, सही आंसर लगा तो आप पास। अब क्या होता है, दो पेपर हो चुके हैं सब्जेक्टिव, दो पेपर हो चुके हैं एमसीक्यू। सब्जेक्टिव वाले हैं अकाउंटेंसी और एक हो चुका है लॉ, और एमसीक्यू वाले दो हैं, एक इकोनॉमिक्स और एक मैथ्स। देखो, सबसे पहली बात, मैथ्स से घबराना नहीं है, मेरा भी मैथ्स नहीं था, और 50-60% जो सीए करते हैं उनका मैथ्स नहीं होता है और पहली बार में, और वो आसानी से मैथ्स क्लियर कर लेते हैं। बेसिक लेवल का मैथ्स होता है, जो 10th तक आपने पढ़ लिया है मैथ्स, वही मैथ्स पूछा जाता है आपके सीए फाउंडेशन में भी, और थोड़ा बहुत सीए फाइनल लेवल पर अलग अलग कॉन्सेप्ट में आपका टेस्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। अब याद रखना, मैं टिप्स की बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ों आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, जो ICAI ने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है उस पर अड़े रहना। अब ICAI के मटेरियल की बात करूँ तो क्या क्या चीज़ें आ जाती है इसमें, इसमें आ जाती है RTP। अब RTP मतलब होता है रिविजन टेस्ट पेपर्स, मतलब एग्जाम के पहले ICAI रिलीज करती है ऐसे पेपर्स जो कि बच्चों के लिए प्रैक्टिस के रूप में, उसको रिविजन टाइप में काम आते हैं। सेकेंड, पास क्वेश्चन पेपर। देखो, मैं हर बार जो भी मुझसे बात करता है, मैं उसको बार बार यही चीज कहता हूं कि अगर तुमको सीए में आसानी से सारे लेवल्स, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, तो पास्ट पेपर तो मिनिमम 3-4 बार रिवाइज करके जाना ही पड़ेगा। देखो, तुम्हारे जो अटेम्प्ट में क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उसका 70-80% कहीं ना कहीं पास्ट पेपर से ही उठ के आएगा। हाँ, उसमें अमेंडमेंट का तड़का लगा देंगे वो, उसमें नंबर्स चेंज हो जाएंगे और थोड़े से 1-2 पॉइंट चेंज होके आपके पेपर में भी वही क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल 80-90% होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे पास्ट पेपर 3-4 बार हो चुके हैं। ICAI मटेरियल में जो स्टडी मटेरियल होता है, जो बुक्स आती है ना आपको 3-4, उसको मिनिमम आपको 3-4 बार करना है। RTP आपको 3-4 बार करना है, और पास पेपर आपने 3-4 बार कर लिए तो मुझसे ही लिख के ले लो कि आप एक बार में सीए फाउंडेशन आराम से, या फिर कोई सा भी लेवल, सीए इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल। मैंने यही किया, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी यही किया और उनका आराम से सीए निकला है। देखो, डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी ना, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले ये लिख के ले लो कि हमको पास पेपर्स 3-4 बार करने हैं, RTP 3-4 बार करनी है, और स्टडी मटेरियल जो आया वो 3-4 बार मिनिमम रिवीजन करके जाना है। इसके बाद मैं अगर आपको बता दूं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे पहले रखना। मैंने बोला 3-4 बार करना है, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखी, उसके बाद 3-4 बार रिविजन किया, और उसके बाद एग्जाम का सामना करना पड़ेगा। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो सबसे पहले आता है अपना अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी में आपने जो 11th 12th में बेसिक कॉन्सेप्ट बनाकर आए हैं ना, वही का सब्जेक्टिव पैटर्न में ICAI आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो सबसे पहले जो आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आपको 11th 12th में नहीं आई है, तो सबसे पहले जहां पे सीए फाउंडेशन क्लास लगाई है आपने, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे वर्क किए, और अगर कुछ भी डाउट आता है तो अपने मेंटर से, अपने टीचर से उसको क्लैरिफाई कर लो, क्योंकि 80% जो आपने 11th 12th में अकाउंटेंसी पढ़ रखा है, वही अकाउंटेंसी सीए फाउंडेशन में आने वाला है। सेकंड, बिजनेस लॉ, ये थोड़ा सा नया होने वाला है तुम्हारे लिए। ये नया इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें तुम्हारे
बेसिकली लीगल टर्म्स का यूज होने वाला है। 3-4 एक्ट नए नए आने वाले हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये तुमको नए नए लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे सीए में आगे बढ़ोगे ना, तो ऐसा लगेगा यार क्या तो पढ़ा है, ठीक है आसानी तो था, ठीक है शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन नया भी लगेगा यार क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या एग्रीमेंट होता है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डिनाइड हो जाता है, कौन सा इलीगल नहीं होता, इलीगल नहीं होता, तो ये सारी टर्म्स का सामना तुमको करने वाला है। लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बार बार प्रैक्टिस करोगे, लेकिन ध्यान रखना ये थ्योरी सब्जेक्ट होता है और हमेशा थ्योरी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है बच्चों को, भले वो इंटरमीडिएट में हो, फाइनल में हो या फिर फाउंडेशन में हो, क्योंकि इसको सब्जेक्टिव कर दिया। पहले ये एमसीक्यू होता था तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी और एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, हमको सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, तो उस पर अच्छे से याद करके जाना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि मेरे को सब कुछ आता है। तीसरा मैथ्स, देखो मैथ्स से मैंने पहले भी कहा डरने का नहीं, आराम से हो जाता। देखो सबसे पहली बात तो ये एमसीक्यू बेस्ड है, एमसीक्यू बेस्ड है तो ऐसा होता है कि देखो एक तरीका होता है एमसीक्यू को क्लियर करने का कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से 4 ऑप्शन में से आपने कैलकुलेटर पर सही आंसर निकाल लिया, ये होता है श्योर, सबको पता है नया तरीका। लेकिन एक होता है आपने ऑप्शंस देखे और उसमें से एलिमिनेट करना शुरू कर दिया कि यार ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो तो ये वाली ऑप्शन हो सकता है। तो ये दोनों तरीके आपको काम आएंगे मैथ्स के पेपर में, और मैथ्स के पेपर में कैलकुलेटर पर अच्छा सा कमांड होना पड़ेगा आपको, पास पेपर मैंने पहले भी कहा वो सारे करने पड़ेंगे, और ज़्यादा घबराने का नहीं जो बेसिकली, लेकिन इसमें मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें तुमको पता चलेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे काम करती है, कैसे आप करोड़ बना सकते हो SIP के थ्रू, कैसे आपकी मनी कंपाउंडिंग पावर यूज़ होती है, कंपाउंडिंग पावर कैसे वर्क करती है। एंड फोर्थ, इकोनॉमिक्स का वही नियम है भैया जो तुमने 11th 12th में पढ़ा, वही 60-70% आने वाला है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, पास पेपर सारे करने हैं, एमसीक्यू वाले आने वाले हैं, तो तुमको फैक्ट्स देखो इसमें है ना, अपडेट्स करंट अफेयर्स बहुत आते हैं, तो करंट अफेयर्स से अपडेशन तुमको लेना पड़ेगा, क्या GDP की ग्रोथ चल रही है, क्या बैंक में रेट्स चल रही है, क्या अमेंडमेंट्स RBI ने किए हुए हैं, पॉपुलेशन क्या है, और अलग अलग चीज़ें जो ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग तुमसे पूछे जाने वाली है, तो इसमें भी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। बेसिकली एक सब्जेक्ट तुमको ज़्यादा दिक्कत दे सकता है जो कि है बिजनेस लॉ, उस पर ध्यान देना, और उस पर ऐसा ना हो कि आपका एग्रीगेट में दिक्कत दे दे आपका बिजनेस लॉ, तो सबसे पहले अच्छी कमांड बना लेना बिजनेस लॉ की। और सारे पेपर्स देखो CA फाउंडेशन में रिपीटेशन, हमारे जो मेंबर्स वगैरह भी हैं उनमें बात चलती रहती है कि CA फाउंडेशन को थोड़ा टफ बनाया जाए ताकि आगे इंसान को पता चल जाए कि हाँ यार ठीक है इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी है तो आगे और डिफिकल्टी बढ़ने वाली है। लेकिन ठीक है CA फाउंडेशन थोड़ा सा ईजी पड़ता है, इसको अच्छे से क्लियर करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और CA इंटरमीडिएट की तरफ और फिर आर्टिकलशिप की तरफ और फिर CA फाइनल अल्टीमेट गोल अचीव करो। ऑल द बेस्ट, और कुछ भी दिक्कत आए यू कैन कमेंट हियर डाउन कि आपको क्या डाउट्स आ चुके हैं, आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू यू ऑल। And stay connected. And if you haven't subscribed yet, subscribe. Thank you.